I think the girls with their nails done now. We are back दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वर्ल्ड कप के वीडियो में। आज हम लोग सेमीफाइनल नंबर 2 खेलने वाले हैं, जो कि मैं बहुत दर्द से बोल रहा हूँ, दुख से बोल रहा हूँ कि फ्रांस वर्सेस मोरक्को है, फ्रांस वर्सेस पुर्तगाल नहीं है। क्या ही कर सकता हूँ, हम लेंगे फ्रांस और यहाँ पर रखेंगे मोरक्को, जो कि यार सरप्राइजिंग टीम है। अपने ग्रुप में क्रोएशिया और बेल्जियम की नंबर 1 में ख़त्म किया, राउंड ऑफ 16 में मिले स्पेन, उनको भी हराया, उसके बाद मिले पुर्तगाल जो कि पिछले मैच में 6 गोल मार के आ रही थी, उनको भी हराया। तो यार सही खेल रही है मोरक्को, इतना ही कहूँगा मैं अभी हाल फिलहाल। किसी को हेट नहीं है पर यार कसम से दर्द तो बहुत होता है। यहाँ पे रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप था, उसमें निकाल दिया इन लोगों ने, जो कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता। यही आशा करूँगा कि कम से कम मेसी जीत जाए, नेमार रोनाल्डो सब निकल रहे, कम से कम तीनों लेजेंड में से कोई एक तो जीते वर्ल्ड कप, इतना ही चाहता हूँ मैं और क्या ही चाहता हूँ। कुछ नए नए प्लेयर्स को मैं मौका दे रहा हूँ, टीम पे मेरे तो वैसे भी इंजरी है। अच्छा ये मैंने क्यों लिया, दोनों हर्नांडिस 84-84, वाह। अरे यार ये देखो दोनों हर्नांडिस 84-84, ये मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, फर्स्ट टाइम ध्यान दिया मैंने। डिम्बेले केएल और पोगबा की जगह, जो कि सारे इंजर्ड है, लेमार को लेके आता हूँ। चलो चलो भाई, पता नहीं सेमीफाइनल नंबर 2 कौन जीतेगा। जैसे मोरक्को खेल रही है, बहुत ही तगड़ा डिफेंड है उन लोग का, डिफेंड में मैन मार्किंग एकदम परफेक्ट है, पर एम्बापे का पेस और जिरूड का स्किल्स देखना दे, और पता नहीं क्या करेंगे। फर्स्ट सेमीफाइनल अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो वर्ल्ड कप का प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं सेमीफाइनल में सब कट सीन देखूंगा, फर्स्ट सेमीफाइनल के वीडियो में भी मैंने देखा था। My name is Derek Ray, and sharing commentary with me, providing expert analysis, is Stuart Robson. And a special atmosphere for this very special contest. It's France against Morocco. Well, this could be an absolute classic, and the prize couldn't be any bigger, could it? A place in the World Cup final. Let's just hope we get two teams that want to play. National anthem होने वाला है अभी. Attack the opposition. This should be a good game. France. मोरक्को तो दोस्तों अर्जेंटीना क्रोएशिया और फ्रांस और मोरक्को में से कोई फाइनल खेलने वाला है 18 दिसंबर को 8:30 बजे वर्ल्ड कप फाइनल में। और फ्रांस अगर जीती तो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतेंगे वो लोग, और अगर क्रोएशिया जीतेगी तो शायद फर्स्ट टाइम क्रोएशिया भी वर्ल्ड कप जीतेगी। पिछले साल तो फाइनल, पिछले साल क्या बोल रहा हूँ, पिछला वर्ल्ड कप में तो फाइनल आई थी पर फ्रांस से हार गई थी। मोरक्को अगर जीती तो फर्स्ट अफ्रीकन टीम जो सेमीज तक पहुंची है, यानी कि फाइनल में जीत जाए, हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा। अगर अर्जेंटीना जीती तो फर्स्ट टाइम मेसी जीतेंगे वर्ल्ड कप, तो चारों को हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री दाव में लगाए, चारों में से जो भी जीतेगा चारों बहुत ही नेक्स्ट लेवल विन रहेगा, उनके टीम के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके कंट्री के लिए प्राउड मोमेंट रहेगा। तो यार यही उम्मीद रखता हूँ कि कोई भी जीते, पर मज़ा आए वर्ल्ड कप में, बहुत सारे अपसेट्स हो रहे। पहले स्पेन निकल गई, जर्मनी तो ग्रुप स्टेज में निकल गई, बेल्जियम में निकल गई, इटली ने क्वालिफाई ही नहीं किया, वेल्स निकल गई। सबसे दुख मुझे नेमार रोनाल्डो के लिए हो रहा है, क्या ही कर सकते हैं, दोनों क्वार्टर फाइनल में निकल गए, आखिर तक वर्ल्ड कप ने जीत पाए। पर यह अच्छी बात है कि नेमार ने कम से कम ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है,
और रोनाल्डो ने यूरो 2016 जीता है, तो कुछ तो जीता है इंटरनेशनल करियर में, पर क्लब करियर तो आपको पता ही है, यूएफा क्रिस्टियानो लीग, नीचे दे वरान, कोंडे, शुआमेनी, किंग्सले कुमार, डर तो हो रहा है शायद। मैं सोच रहा था कि आज मैं पोर्चुगल लेके खेलूंगा, पर पोर्चुगल तो है ही नहीं। कोई भी हेट नहीं है मोरक्को को, बहुत ही अच्छा डिफेंस किया था, मैन मार्किंग बहुत तगड़ा था। आकरा हाकिमी का फ्री किक, क्या मार पाएगा? अरे मार सकते थे यार, मैंने जंप सही टाइम में किया। किलियान एम्बापे हाईएस्ट गोल स्कोरर वर्ल्ड कप में इस साल के, और ग्रीस्मान ने पेज गलत टाइम पर मैंने खोला। कोई नहीं कोई नहीं, नाइस किंग्सले कुमान, अरे आगे निकल गया मैं तो। मोरक्को ने अभी तक एक गोल भी नहीं खाया वर्ल्ड कप में, बहुत ही बढ़िया जा रही है मोरक्को। पेनल्टी में भी स्पेन ने चारों पेनल्टी बचाया था कीपर ने। अरे यार ये बहुत बढ़िया पास है, ये भी गोल है। ओ वो लॉरिस का सेव, पता नहीं कैसे बच गया। राफेल वराज हर्नांडेस खोडे, नाइस, बहुत ही ज्यादा स्पेस है। राबियो, शुआमिनी, राबियो, अरे भाई गलत ऐसे हरकतें मत करो भाई, वरना गेम में भी एक ये हो जाएगा अपसेट। शुआमिनी, हर्नांडेस, एम्बापे, ग्रीस्मान फ्री, नाइस, ऑफसाइड है। back on side here. Well, he was always going to be offside. That was the wrong option. ऐसे मोरक्को के बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड भी है, रेड कार्ड भी मिला है, तो अगर पता नहीं थोड़े डिफिकल्टी तो आ सकते हैं। जिरूड, well, it turned out to be fairly routine for the keeper in the end. अच्छा पास है ये। राफेल वरान है यार, राफा वरान है हमारे पास। ग्रीस्मान, एम्बापे, नाइस, किलियान एम्बापे, अरे ये कहां पर मार रहे हैं भाई यार, ये कॉर्नर कभी कभी गेम में ना पता नहीं मैं कहां पे मार देता हूँ दोस्त दोस्त में आकर। और सेमीफाइनल में हमने सिर्फ एक ही गोल मारा था मेसी से, जो कि 6 मिनट पर मार दिया था, उसके बाद कोई गोल ही नहीं मार पाया, मेरा डिफेंडिंग बहुत अच्छा था। राफेल वरान ने भाई कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, बाप डिफेंडर है। देखा मैं भाई, लाइव प्रूफ है, मैं कह ही रहा था 3 या 4 इंटरसेप्शन किया है। यार ये लोग तो अच्छा खेल रहे यार, डिफेंडिंग बहुत बढ़िया है। एक तो ये कर्सर कसम से दिमाग में जाता है ना इतना, कैसा गधा है। ऊपर 2 प्लेयर थे, उनको पास देता था गोल जाता, और एक गोल के लीड में भी आते थे, पर पता नहीं क्या हरकतें किया इन्होंने। ओ नाइस, अरे 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 बच गया, ये लोग अटैक कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। शॉर्ट पास, नाइस, अरे शुआमिनी, अरे मां कसम,
आखिर तक मार ही दिया। Well, here's the goal again, and it's a great ball to put him through. Good vision to set up the chance, and then through on goal. अच्छा वन टच खेला है। अभी मुझे नहीं पता मैं मार पाऊंगा कि नहीं। लोका डिफेंडिंग बहुत स्ट्रांग है गेम में भी। मुझे पर कुछ तो करना होगा ही। मुझे अभी अप फ्रंट रहना होगा। पूरा मैच में ये लोग ही अटैक कर रहे हैं। कोमान, ये लोग का कीपर भी तो है ना भाई, दिमाग में जाता है। ढंग से कॉर्नर मार। बचा लो भाई। बहुत ही तगड़ा पास दिया है। अरे अरे अरे, एक और गोल नहीं। ऑफसाइड है भाई। मुनीर भाई ढंग से खेलना होगा। मैं दो गोल खा चुका हूँ 10 मिनट के अंदर। ये तो ऑफसाइड था, बच गया। एक गोल तो मारना ही होगा फर्स्ट हाफ से पहले। पता नहीं कैसे मारूंगा, पर डिफेंडिंग बॉय देखो कैसा डिफेंडिंग है। और मैं तो हग रहा हूं, अलग ही बात है। ये लोग का पासिंग बहुत ही सही जा रहा है यार। अरे ये क्या कर रहे हैं मेरे प्लेयर्स भाई। मैं तो बटन दबाऊंगा ना। ये लोग का ऊपर है कि ये लोग पास कैसे देंगे। बचा ले जल्दी जल्दी। बहुत ही गलत टाइम पर मैं बहुत पीछे हूँ, यानी कि एक गोली पीछे हूँ, पर तो भी डिफेंडर को मैं आगे लाया। गोल खा सकता हूँ अभी। वरान, ये लोग तो एक और गोल के पीछे जा रहे हैं यार। ये लोग तो बहुत डेंजरस खेल रहे हैं। ये लोग को फिर से शॉर्ट पास के लिए बुलाया। निकल गया ये, बच गया। मां कसम, बस यही कमी थी। नाइस, ये बचाता नहीं था ना भाई, फट गई होती मेरी सेकंड हाफ खेलने से पहले ही। देखो ना ये लोग का मैन मार्किंग कितना स्ट्रॉन्ग है। फाइनली मुझे एम्बापे फ्री दिखा। अरे यार, खट साला एम्बापे, मारना यार। क्या कर रहा है यार, इतना अच्छा मौका था मुझे मारने के लिए। मुनीर, 3 गोल मारने वाले थे, 1-2 तो मार चुके थे, 1 पेनल्टी मिस किया। भाई एम्बापे को मारना चाहिए था यार वो। भाई मुझे नहीं पता मैं कैसे इन लोग को क्लियर करूं, पर कर सकता हूँ। इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस ढंग से खेलना होगा। ये फाउल नहीं है। वाह भाई साहब, ये फाउल नहीं था। बच गया। अरे भाई भाई कसम से डर लग रहा है, कुछ चेंजेस करने ही होंगे मेरे को। लेमार, 2 लेफ्ट फुट वाले मिडफील्डर है, एक्चुअली 3 ग्रिस्मान को भी लूंग मैं। ए भाई ऐसा हरकत मत कर कीपर। नाइस, 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 नाइस। जिरूड, लेमार, अरे लेमार क्या कर रहा है यार, पकड़ ले। नहीं, शूट मार रहा है। अरे भाई
रॉकेट मारा था, इतने आगे क्यों ये लोग? पता है हमें गोल मारना, पर अभी से आगे आगे मत रहो भाई, ऐसा हरकत हो सकता है मेरे साथ। ग्रीस्मान के पास बॉल, ये लोग क्या कर रहे हैं यार, कसम से ऊपर देखो पूरा खाली है वो भाई, गधे ऊपर दिया ही नहीं। मोरक्को अच्छी खेल रही है, पर थोड़ा सा गेम सेंस कम है लगता है। एम्बापे नीचे पास दे, लेमार, एम्बापे, नाइस। यस, पेनल्टी मिला। चलो भाई, पेनल्टी तो पेनल्टी ही सही। कौन मार रहा है? अंतुआन ग्रीसमन। मारना तो पड़ेगा यार। नाइस, ये परफेक्ट पेनल्टी था, अगर वो सही कूदता तो भी गोल ही था ये। फाइनली भाई पेनल्टी से मैंने इक्वलाइज किया है, जैसे फर्स्ट मैच में भी पेनल्टी से लीड था और वही लास्ट तक गया, पर ये लोग गोल मार सकते हैं एक और। छीन ले, नाइस। ये हर्नांडिस जो है 22 नंबर की कई किया है मेरे मैच में, कुछ समझ नहीं आया मेरे को, कुछ तो कर ले, फास्ट भी नहीं है कि मैं आगे जाऊं। कुमान, नाइस, यस, जिरूड, इसे कहते हैं बैक टू बैक दो गोल ठोकना। बहुत हो गया, अभी कुछ चेंजेस तो हमें करने होंगे। किंग्सले कुमान ने तगड़ा खेला है, पर अभी चेंज करने का समय आ चुका है। चलो भाई, मिडफील्डर हमने बहुत सारे चेंजेस किए, तब इसे खेलना होगा अभी, और कुछ नहीं। भाई पर सही में क्या ही खेला हूँ मैं, बैक टू बैक दो गोल 10 मिनट में आया। अभी मोमेंटम पूरा हमारे पास है, अगर एक और गोल मार दिया 65 ये हो सकता है मौका। अरे भाई किस्मत झंडे, अरे चलेगा चलेगा, बहुत बढ़िया, कंट्रोल कर कंट्रोल कर, बहुत बढ़िया। बाल की दुकान, लेमार, एम्बापे को दे, चल एम्बापे पेस, एम्बापे स्पेस। अरे सही प्लान था, लेमार, ग्रीस्मान, कुछ नहीं कर पाया, कॉर्नर भी नहीं जीत पाया, और ये अच्छा पास था पर एन्नाज़ीर, चल चल कॉन्डे से नहीं, अरे भाई क्लियर कर दो पास, बेस्ट गोल किक, इससे अच्छा ऑप्शन मेरे पास तो नहीं था यार। जा चेयर कुर्सी, अपने घर पे जाके बैठियो। लीड एक ही गोल का पर चलेगा, एक गोल पीछे थे हम लोग। अरे भाई भाई,
भाई मैंने पनौती लगा दिया, मैं अभी कह रहा था कि एक गोल का लीड तो है भाई, मुझे नहीं पता अभी मैं क्या करूं, कसम से मुझे नहीं पता। बहुत ही गलत टाइम पर गोल आया और मेरे पास चेंजेस भी थोड़े कम है। On you go, says the referee. Advantage. Well, the possession tells you everything. Nothing really to split between the two sides. It's been an enthralling encounter up to now, with both teams playing some really good, expansive football. You just wonder if the coach will be looking at that and how they can tighten up at the back, as it's been chance after chance right now. Chal, nice. Niche rak, niche rak. Bahut space hai iske paas. Promising sequence. Dembele's in the center. Arre. Wasn't quite as good as it looked when it left the boot. Chalega, chalega. Position apne paas rakho bas. Oh. Must take the lead here. Oh, वैसे भी ऑफसाइड था। वैसे भी ऑफसाइड था। कोई मतलब भी नहीं होता। ले मार, चल चल चल। अरे ये लोग भाग क्यों नहीं रहे, सब इतना थक गए क्या? अरे कब का एडवांटेज है, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्लियर कर, क्लियर कर। एम्बापे, नाइस जीरूड भाई, कमॉन कमॉन। अरे क्या मिस कर रहा हूँ मैं, नहीं नहीं नहीं, बहुत ऊपर तो खाली है भाई, छीन लो भाई। नहीं, मुझे गोल जाते हुए दिख रहा है, बच गया कसम से। पता नहीं कितने गलती किया इन्होंने। कॉर्नर दे दो प्लीज, कॉर्नर है। आ गया आ गया आ गया, लेमार। अरे भाई मैं क्या क्या हरकतें करता हूँ ना कभी कभी। वरान, अरे भाई वरान क्या आगे चलेगा? नहीं, is key to this goal. And then just take a look at this, Derek. He sees the keeper off his line and it's such a classy finish, just lifted over him. Beautiful goal. भाई कुछ नहीं हो सकता, अभी खत्म हो चुका है मैच। 87th मिनट पे गोल मारा है, मुझे नहीं पता मैं कहां से गोल मारूं एक और। ये देखो ऐसा हरकतें करते हैं ना, ये हार गया यार, अभी नहीं कर सकता मैं, कसम से नहीं कर सकता। ये लोग का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। चल 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 चल, ओ पेल दिए भेंडी भाई, मैं कितना कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को, गाली नहीं देने को मुझे भी नहीं पता। माँ कसम क्या ही मैच हो रहा है। आखिर तक जब एम्बापे का जरूरत था बराबर वो पोजीशन में था। ओ भाई, well, another equalizer. What a topsy-turvy game this has been.
बहुत ही डेंजरस मैच हो रहा है और ये फंस चुका है। अरे ये निकला कैसे भाई? ए भाई ढंग से खेल लो, तमीज से खेल लो, बहुत ही मुश्किल से गोल मारा है भाई। क्लियर कर साले। हाँ गोल किक है, चलो एक्स्ट्रा टाइम। तो सेकंड सेमीफाइनल एक्स्ट्रा टाइम तक चले गया और बहुत ही खतरनाक कमबैक किया है मैंने। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं गोल मार पाऊंगा, पर मुझे स्पेस दिखा एकदम सही टाइम पर, मैंने ठोक दिया एम्बापे से। और क्या भाई, पर ये लोग बहुत टफ दे रहे यार, इन लोग को हराना बहुत टफ है। पता नहीं मैंने पोर्चुगल से इतना आसानी से कैसे हरा था इनको। कितना फास्ट भाग रहा है हाकिमी। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, कसम से मैं इतना आगे जा के हक क्यों दे रहा हूँ। ये देखो दो बार हगा एम्बापे ने सेम जगह से। पता है मुझे लास्ट गोल मारा है, पर भाई ऐसे गोल मारना इतना मुश्किल से तो बॉल आगे जाता है। ये देखो कोई जा ही नहीं रहा हेडर जीतने के लिए। नाइस। चल भाई ये लोग क्या खेल रहे हैं। शूट ये देखो भाई। ओह वरान नाइस। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। आ गया कीपर, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अरे यार साले कीपर को, पागल है क्या? कीपर को लेने देना, पागल है क्या? अरे क्या पागल है, कसम से। भाई ऐसे फालतू लोग है ना ये, कसम से मैं कुछ भी नहीं कह सकता आप लोग को। कीपर का बॉल है, क्यों मरा रहा है अपनी। कोई है ही नहीं ऊपर, किसे दू। अरे यार क्या हरकत है यार, फर्स्ट हाफ कसम से इतना घटिया खेला है ना इन लोगों ने, इतना घटिया। एक तो पहले देखो एक और गोल, एक तो एम्बापे ने दो मिस किया, उसके ऊपर ये लोग ऐसा खेल रहे हैं भाई, पागल है क्या? ढंग से खेल ले। अरे निकल गया, ये तो निकल गया, निकल गया, स्टैमिना फुल है इसके पास। ओ भाई ये तो गलत मैच हो रहा है यार, ये कसम से बहुत ही खतरनाक मैच हो रहा है। वन मैन शो पा गई है, गोल बहुत सही टाइम में गोल घुमा मैं। चलो फर्स्ट हाफ में ही ड्रॉ हो चुका है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पता नहीं मुझे लगता है पेनल्टी तक जाएगा। भाई क्या ही गोल मारा है बंदे ने। कुछ चेंजेस नहीं करना अभी क्योंकि मैंने बहुत सारे चेंजेस पहले कर दिए। पेनल्टी अगर गया तो मेरे पास बहुत प्लेयर। ये देखो भाई ये लोग ऐसा हरकतें कर रहे हैं ना, ये देखो ऊपर पूरा फ्री है, नसीब हक दिया उन्होंने मोरो को। भाई चार गोल कैसे मारी मेरे को ये लोग की वजह से, ये लोग ऐसा हग रहे हैं।
बाल की दुकान ऊपर दे ना, ढंग से पास दे भाई, आगे से आगे, नाइस। एम्बापे हेडर जीत, इतना स्टैमिना कैसे है इन लोग के पास, अभी भी छीन ले। क्या मैं पेनल्टी के लिए खेलूं दोस्तों? पकड़ ले, ओ भाई हार्ट अटैक देगा कसम से। पता नहीं मैं कैसे बच गया, मैं पेनल्टी के लिए खेलूं का दोस्तों, एक लास्ट ट्राई कर दूंगा। ये लोग बहुत अटैक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है पेनल्टी के लिए खेलना चाहिए। हाँ भाई मैं पेनल्टी के लिए खेलूंगा। ये लोग का हरकत, क्या बोलते हैं, हरकतें देख कैसा लगता है कि मैं एक और गोल अभी खा लूंगा अगर मैं अटैक के बारे में सोचूंगा तो। वहां कसम कैसा बचा मैं, मेरे को भी आइडिया नहीं है। ओ अरे यार हार्ट अटैक देखे कसम से। मैं पेनल्टी के लिए खेल रहा हूँ, मैं पेनल्टी के लिए खेल रहा हूँ। ये देखो येलो कार्ड भी दिलाया, किसे पास दू, कोई है ही नहीं भाई, किसे पास दू, कीपर को रखता हूँ। नीचे वरान भाई, चार मिनट झेल ले कसम से, ये लोग पूरा गोल मारने के प्लान से। देखो कोई खाली भी नहीं है, चढ़ रहे मेरे ऊपर, सही बताऊ तो ये बहुत ही खतरनाक। मैं ऊपर पास ही नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा। ये लोग हग रहे, बस दो मिनट ऐसे हरकतें करना है मुझे। नहीं नहीं पीछे ही पीछे ही पीछे ही, मैं जोश में नहीं आऊंगा, मैं पेनल्टी के लिए, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। अभी गोल मारने का फायदा भी नहीं है क्योंकि मैं मार भी नहीं पाऊंगा, उल्टा गोल दे दूंगा। एक मिनट बस, एक मिनट ऐसा कुछ कर लू। नहीं ऊपर ऊपर दे, अरे यार क्या कर रहे। हाँ चलो मोरोको का कीपर भाई पेनल्टी मारने नहीं देता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। पता नहीं मैं कैसे बच गया सेकेंड हाफ में, दो तीन बार बचाऊ, झूठ नहीं करूंगा, मेरी फट गई है इनको खेल, क्या बोलते खेलने को, कसम से फट गई है। 23 शूट मारे उन्होंने, 23 शूट, सोचो। ग्रीसमान को मैं सीधा पांचवा रखता हूँ। पहला ही गोल चाहिए मुझे वरना मैं घान नहीं। नाइस अरे लेमार, एक भी नहीं हगना पेनल्टी, नाइस। एक तो मोरोको का स्टैंड है, क्या राइट पे, मुझे लगता है राइट पे मारेगा, नहीं लेफ्ट पे। एम्बापे कम ऑन, मैंने बहुत पावर दे दिया, मुझे बच गया भाई, मुझे लगता है मैंने बहुत पावर दे दिया था। यस यस यस, अरे भाई ये बचाना पड़ेगा वरना मैं हार गया। अरे भाई बचा ले कसम से, मेरी फट गई है कसम से मैं। यस भाई नाइस, हो भाई ये बहुत गलत पेनल्टी हो रहा है, मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके, ये बचा है तो मैं जीत गया। हाकिमी के ऊपर है, अरे मैंने देख लिया था सेंटर पे मारते हुए। शुआ मिनी कम ऑन, नाइस अमराबाइट का बचाना पड़ेगा मुझे,
बचा ले बचा ले, मुझे लगता है ये भी सेंटर पे मारने वाला है, और मैंने सही गेस किया। यस ओ भाई साहब, क्या मैच हुआ था कसम से। अरे भाई 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 भाई, लॉरिस द हीरो, और हम फाइनल निकल चुके हैं, और ये बहुत ही एपिक मैच था, एपिक कसम से भाई। ओह तो दोस्तों फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हम जीत चुके हैं, पेनल्टी में जीते, और भाई कसम से मज़ा आ गया खेल के, फट गई मेरी, पता नहीं मैं कैसे खेला पूरा मैच। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।